सानपाड़ा में पांडुरंग आमले के सांस्कृतिक महोत्सव की धूम, बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे के बर्थडे पर आयोजन। बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदा मात्रे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवा नेता पांडुरंग आमले ने सानपाड़ा में क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। आज सोमवार को महोत्सव में इंडोर गेम्स के तहत युवक युवतियों के लिए कैरम प्रतियोगिता और संध्या काल में डांस कंपटीशन का सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। यहां मराठी फिल्म एक्ट्रेस अस्मिता सुर्वे और डांसर प्रसाद बोलेश ने प्रतियोगिता के जज के तौर पर भूमिका निभाई और खुद परफॉर्म भी किया। दोनों कलाकारों ने युवा नेता पांडुरंग आमले के इस खेल एवं सांस्कृतिक महोत्सव की जमकर तारीफ की और युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का बेहतरीन जरिया बताया। माननीय आमदार मंदाताई मात्रे, इनके जन्मदिन के अवसर पर समाज सुधारक आमले सर, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि उसमें कैरम कॉम्पिटिशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, तो उनमें से डांस कॉम्पिटिशन को जज करने मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे ही 19th को भी बहुत से प्रोग्राम्स उन्होंने यहाँ पे अरेंज किए, उनमें शाम को खेल पैठणी सा, ये सब लेडीज़ के लिए यहाँ पे प्रोग्राम किया है और उसमें ही लेडीज़ के लिए फैशन शो भी ऑर्गेनाइज़ किया है। तो फैशन शो के लिए जज है अपूर्वा पाटिल करके, सब लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आमले सर हमारे लिए लेके आए हैं। सो बहुत से सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आने वाले हैं, जैसे कि कॉमेडी ची बुलेट ट्रेन जो मराठी शो है, उसमें से सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे हमारा एंटरटेन करने के लिए आ रहे। तो आप सब हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आइएगा। आज यहाँ पे बहुत बड़ा माहौल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटे बच्चे बहुत बहुत अच्छे डांस कर रहे, परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनका इनकरेज, उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे को बुलाया था उन्होंने। बहुत अच्छे छोटे छोटे बच्चे ने बहुत कोशिश करके ट्राई करके यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया है। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, अभी देखेंगे किसका प्राइस मीन्स किसका नंबर आता है और क्या आता है। और जिन्होंने ये आयोजन किया है उन्होंने बहुत बढ़िया आयोजन किया है और उनको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया मानता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है, उनका जो अंदर का टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ऐसे ही वो बहुत सारे प्रोग्राम आगे रखेंगे, मैं उनके इसके लिए
उनको मैं बोलता हूँ कि वो ऐसे प्रोग्राम रखे। इससे क्या होता है, छोटे बच्चों में जो टैलेंट है वो बाहर आता है, अंदरूनी जो टैलेंट वो छुपा के रखते वो बाहर आ जाता है। माननीय आमदार मंदाताई म्हात्रे यांच्या वाढदिवसानिमित्त पांडुरंग आमले साहेब जे आहेत त्यांनी खूप मोठं असं छान कलाक्रीडा, त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रकारचे वेगवेगळे गेम्स होते, जसं कॅरमची स्पर्धा होती, डान्स कॉम्पिटिशन, उद्या इथे लेडीजसाठी स्पेशली ग्रूमिंग आहे सकाळी, आणि त्याच्यानंतर त्यांचा खेळ पैठणीचा हा प्रोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना रॅम्पवॉकही करायला मिळणार आहे। सो असा छान खूप मोठा असा कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला आहे, त्याच्यामध्ये मला बोलवलं होतं डान्स कॉम्पिटिशनचं ॲज अ जज म्हणून, त्याच्यामुळे मला खूप छान वाटलं आणि खूप छान रीतीने ते सगळं व्यवस्थित ऑर्गनाईज केलं होतं। उद्या ताईंचा वाढदिवस आहे, त्यांच्यासाठी माझ्याकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। बता दें कि सानपाड़ा के प्रभाग क्षेत्र में बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमले लगातार सामाजिक उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में मुफ्त अनाज और वस्त्र वितरण, महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए रोजगार सेंटर और युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं इसका सबूत देती हैं, इसीलिए स्थानीय लोग इनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। आइए सुनाते हैं स्थानीय नागरिकों ने पांडुरंग आमले के बारे में क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा हो गया, हम लोग ज्येष्ठ नागरिक, हम लोग को बहुत, हमारे ज्येष्ठ नागरिक तो संघ बंद है अभी, इधर सब आ गए, सबको एक दूसरे को मिले, अच्छा लगा सबको। आमचे सर्वांचे लाडके पांडुरंग दादा आमले यांनी सर्व कलाकारांना एकत्रित केलेलं आहे, सर्व ज्येष्ठांना एकत्रित केलेलं आहे, श्रीमंत असू देत गरीब असू देत प्रत्येकाला ते हक्काशी जवळ घेत असतात। सो त्यांना आमच्या संपूर्ण कलाक्षेत्रातून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा आहेत। उद्याचा कार्यक्रम मात्र कोणीच मिस करायचं नाही, खूप मोठ्या जल्लोषामध्ये सानपाड्यामध्ये आपण हा कार्यक्रम साजरा करणार आहोत, अर्थात सर्वांच्या लाडके आमदार मंदाताई म्हात्रे यांचा वाढदिवस आहे। बरेच प्राईज डिस्ट्रीब्युशन उद्या होणार आहेत आणि कार्यक्रमाला देखील मजा येणार आहेत, कारण महाराष्ट्राचे लाडके कलाकार उद्या आपली कला साजण्यासाठी या मंच सो तुम्ही पण या, आपण मजा करूयात। ब्यूरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।